वहाँ की आदतें पूरे वर्ल्ड में उसका वाइब्रेशन फैलने से मैंने सारा दुनिया चेंज होगी, आवाज फैलेगी तो बुद्धि शक्ति कहाँ जाएगी? परमधाम को उतार रहे हैं, कोई स्थान होगा जहाँ परमधाम उतरा हुआ होगा, सब विद्युत के स्टेज में होंगे, सबकी निसंकल्प स्टेज होगी। सबकी दुनियादारी धंधा दौरी छूट गया होगा, दुनियादारी धंधा दौरी बाहर की दुनिया कितना बुद्धियों खींचती है, शंकर भी तो लगता है। याद करो देश में जब माउंट आबू जाते थे, इस समय माउंट आबू का वातावरण अभी के मुकाबले सतो प्रधान था, ये अभी जैसा तमो प्रधान था, कैसी अवस्था बनती है? बहुत बढ़िया अवस्था बन जाती है। ऐसे ही हो त्रिनेत्री बने बिना, त्रिनेत्री बने बिना पिता दर्श नहीं बन सकते, तो त्रिनेत्री का अध्यास तीन नेत्र कौन से हैं? मैंने कहा तुम्हारी आंखें बहुत धोखा देती है, इसकी मैं इसको नहीं जानती। त्रिनेत्री तीन नेत्र हैं कौन से? नेत्री कहने से पहले हमें तीन नेत्रों को भी तो समझना पड़ेगा ना, तीन नेत्र कौन से? नेत्र साकार होते हैं, नेत्र निराकार होते हैं। शिव के कितने नेत्र? शिव के हद के नेत्र हैं या बेहद के नेत्र हैं? शिव के जो बेहद के नेत्र हैं वो कौन से तीन नेत्र हैं? तीन मूर्तियां ही तीन नेत्र हैं, एक दाहिना आंख, एक बाईं आंख, क्या शिव बाप आते हैं सृष्टि पर तो क्या लेकर के जाते हैं? बाप का काम है कुछ न कुछ बच्चों को लेकर के तब जाना इस दुनियादारी से, जब बाप जाते हैं तो बच्चों को कुछ न कुछ लेकर जाते हैं ना, नंबर वार बनता देखे जाते, तो बच्चों को क्या लेकर के जाते हैं? डॉक्टर में भी देके जाते हैं, डॉक्टर में स्कूल धन संपत्ति देके जाते हैं कि हमारे बच्चे उतरे पर पोपरे का पोपरे सब सुखी बने रहते, सुख शांति से रहते, उसके लिए लौकिक धन कमा के दे जाते हैं, यही तो करते हैं। उनका तो लौकिक धन होता है, और जो पारलौकिक बात का पारलौकिक धन है, तो जो पारलौकिक धन की कारक है जन्म जन्मांतर की है या उसके तो किस जन्मों की है? 21 जन्मों के आधार पर जन्म, 21 जन्मों के आधार पर और जन्मों की भी प्रारब्ध बन जाती, क्या लेकर के जाते? अरे बाप की प्रॉपर्टी सुख शांति ही तो है, चाहे लौकिक बाप हो और चाहे पाप, उनका लक्ष्य क्या होता है बच्चों को दे जाने का? कि बच्चे सुख शांति में रहे, यही तो लक्ष्य होता है। तो पारलौकिक बाप की क्या लेके जाते? सुख और शांति। वो सुख और शांति जो प्राप्त करने वाले बच्चे हैं उनमें मुख्य बच्चे कितने हैं? हर नंबर बताओ मुख्य बच्चे कितने हैं? मुख्य बताओ, और सारे क्या उसमें तो प्रजा भी आ जाती है। आज में भी नंबर वन मुख्य दो है। अच्छा अभी तीन आ गए बोले, अभी दो ही रह गई। तीन नेत्र है ना, तीन मूर्तियां है ना, मूर्तियां वो चैतन्य है या जड़ है? चैतन्य है तो तीन बच्चे हैं, तीन बच्चों के साथ बाप आते हैं, अकेले तो आते नहीं, तो तीन बच्चों को वर्षा भी तो ऊंचे ऊंचा देते होंगे ना,
नहीं लेते हो, तो उन तीन बच्चों में सबसे ऊंचा वर्षा कौन लेता है? एक दाइयां, एक बाइयां, दाइयां कौन है और बाइयां कौन है? कृष्ण की आत्मा है दाइयां। सबसे प्यारा बच्चा कौन है? बाबा। बाबा कोई बच्चा होता है? जी जी। कृष्ण की आत्मा जो है वो सबसे प्यारा बच्चा है ना? अच्छा, फिर बाइया राम वाली आत्मा, और वो सबसे ऊपर क्यों दिखाया? तो क्या है? तीसरा मानी शंकर जी महान तपस्वी नहीं है, शंकर की बात कर रहे हैं। तीसरा नेत्र जो ऊपर दिखाया गया वो शंकर थोड़े दिखाया गया, वही शिव नेत्र है, वही कल्याणकारी है। तो तीसरा नेत्र कौन सी मूर्ति का है? शंकर की तो मूर्ति, शंकर का तो तीसरा नेत्र कहा जाता है, लेकिन वो तो शंकर तब कहा जाएगा, संपूर्ण दो नेत्रों से कहा जाएगा, या तीन नेत्र हो जाए तब शंकर कहा जाएगा, संपूर्ण शंकर तब कहा जाएगा। संपूर्ण भी एक तो, शंकर भी एक तो है याद करने वाला रूप, उसको पुरुषार्थी कहेंगे या संपूर्ण कहेंगे? वो तो पुरुषार्थी होंगे। संपूर्ण कब बनता है? जब तीनों मूर्तियां प्रत्यक्ष हो, तीन मूर्तियों के द्वारा कार्य हो, तब शंकर कहा जाएगा संपूर्ण, या अधूरा शंकर कहा जाएगा। तो तीसरा नेत्र कौन सा है जो बीच में दिखाया जाता है? खड़ा नेत्र है ये नेत्र, तो पड़े हुए विष्णु का, हाँ वो विष्णु का सूचक है। सबसे जास्ती वर्षा वो लेता है सुख और शांति में। कौन? विष्णु। किस आधार पर लेता है सबसे जास्ती सुख और शांति का वर्षा? अभी मुरली में कहा गया है कि ब्रह्मा से विष्णु बनने में एक सेकंड लगता है, फिर उसी समय कहा गया कि 5000 वर्ष लगते हैं। नहीं, ब्रह्मा से विष्णु बनने में 5000 वर्ष नहीं लगते, विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष, विष्णु से संपूर्ण से कलाहीन बनने में, कलाहीन चंद्रमा बनने में धीरे 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 नीचे उतरते हैं 5000 वर्ष। और चढ़ना अभी अभी पक्का निश्चय हो जाए तो चल गया। मैं गीता का भगवान नहीं हूँ, गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ। तो ब्रह्मा की सोल एक सेकंड में ब्रह्मा को क्या बन जाएगी? विष्णु बन जाएगी। भगवान दो आंखें में खड़ी हुई है, इसका क्या राज है? और खड़ी है वो फिर मूर्ति में दो बैठे हुए हैं और एक खड़ा हुआ है, उसका क्या राज है? अरे अभी अभी तो आप ही ने तो बताया क्या राज है। एक प्योरिटी के आधार पर वो प्योरिटी में खड़ा रहता है, प्योरिटी के पुरुषार्थ में कौन खड़ा रहता है? और ये दोनों नंबर वन बाबा का कहते हैं, आप नहीं कहते? आप कहते हैं जाएगा तो पंचना से पहुँच जाएगा, वाले ये क्योंकि आज में नहीं हुआ था, ये क्योंकि आज में भी तो ऐसा ही हुआ था। जिनको सिंध हैदराबाद से कराची पहुँचना था तो पहली ट्रेन से पहुँच गए, बाद में दूसरी ट्रेन जो चली जहाँ से भी चली कराची के लिए, जो भी ट्रेन जहाँ से भी चली तो दूसरी ट्रेन सब काट आ रही थी। इसलिए बाप कहते हैं कि अभी से याद की यात्रा तेजी बढ़ाओ, जो कनेक्शन है वो कनेक्शन पक्का रखो, सबको घंट बजेगा आगे, घंटी बजेगी बुद्धियों की, पता चलेगा उठो उठो
जिनका कनेक्शन मजबूत होगा पहुंच जाएंगे, अच्छा कनेक्शन होगा तो ध्यान नहीं देंगे। ट्रम काल आएगा, विज्ञान में जो ट्रंकाल बना है याद वाइब्रेशन, याद का वाइब्रेशन जिनका प्रैक्टिस पक्की होगी वो पकड़ सकेगी, जिनकी प्रैक्टिस पक्की नहीं होगी वो ट्रंकाल को नहीं पकड़ सकेगी। ज्ञान से विज्ञान बनता तरंगों से। हाँ जी, बड़ा कुछ जो आजकल मन जो पक्षी या जानवर जो विलुप्त होते जा रहे हैं, विलुप्त जिससे उनकी जातियाँ प्रजातियाँ संसार में दिखाई नहीं देती। हाँ जी, हाँ तो कहने जाते बदला ये है कि जिससे आत्मा तो अजर अविनाशी है, तो वो आत्मा जिससे अगर जो विलुप्त विलुप्त नहीं हो जाता है संसार में, कुछ विलुप्त नहीं हो जाता, मर्ज और इमर्ज होता रहता है। मर्ज होता है और फिर इमर्ज हो जाता है, जैसे डायनासोर के लिए कहते हैं विलुप्त नहीं हो गए, चौपाए थे वो चौपाए हैं अभी भी, उनकी जात दूसरी बदल गई। मान लो कोई जंगल में, सारे जंगल में आग लग गई, सारे डायनासोर जल गए, एक कहीं बच गया नर या मादा, अब जो एक बचा हुआ है वो कोई न कोई के साथ तो संग संसर्ग करेगा ना, उसको बाजार मिल गया या कोई भी चौपाया मिल गया उसके साथ संसर्ग कर लिया, नहीं जाती शुरू हो गई वो जाए तो मुक्त हो गई। अर्ध विनाश जब होता है उस समय बच्ची न करने वाली कौन कौन बैठे हुए, ऋषि माता उठाइए हाथ जल्दी, ये ऋषि माता है बाबा, ये ऋषि माता है, ये एक माता बस, एक माता है ये जो है कि आपके यहाँ दो और भाइयों को कोई नहीं, ये भाई है ये भक्ति तो महात्मा है, ये भाई नहीं है, इसे कहीं भी आने जाने का अधिकार है। और भाई ने सबने भट्टी की हुई है, बता दो अभी अभी महात्मा की लिस्ट में आ गए। भट्टी नहीं की है उनको, क्लास से बाहर बैठने से वो देखो चिकंजा जंगला बना हुआ है, जेल में बंद रहे तो गर्भ जेल होती है ना, तो गर्भ जेल में जब तक बच्चा होता है तो उसे पैदा हुआ कहे या गुप्त कहे, हाँ तो वहाँ जेल में बैठो। जल्दी जल्दी नहीं तो आगे चलकर घुसने नहीं दिया जाएगा। सुना बाबा के होते रहेंगे तो भी नहीं घुसने दिया जाएगा। ब्रह्मा विष्णु शंकर के माता पिता कौन होते हैं? ब्रह्मा विष्णु शंकर के माता पिता को और कोई फूल जन्म होता है उनका क्या है? नहीं विनाश होगा, भूकंप होगा तो उसने सब के सब अपने जगह पर, उसे पहाड़ है तो नसी पहाड़ बन जाएगा, है पहाड़ ये पहाड़ खुलास हो जाएगा, किसी पहाड़ की जगह पर पहाड़ बन जाएगा जो नीचे से और दूसरा निकलेगा लावा, तो नीचे से निकलेगा, नीचे से वो ही निकलेगा जो द्वापर युग में अंदर चला गया था, द्वापर के आदमी जो अंदर चला गया था तो पहाड़, हाँ वही था संत फिर निकलेंगे बाहर, तो आदि में जो था तो उसी शुरुआत में पहले हो जाएगा। और क्या द्रौपदी जी की धरी चेंज होने का मतलब क्या है? नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, सब परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि दुनिया की कोई चीज वहां नहीं मिलेगी, पुरानी दुनिया का अणु अणु सब चेंज हो जाएगा,
ये माउंट आबू भी नहीं रहेगा जिसके लिए बाबा कहते हैं कि अभी वहां जमीन खरीद लो, थोड़ा पैसा बचा रहेगा। एक एक अणु जो जहाँ से आया है, जहाँ से चालू हुआ है, वही अपना साइकिल पूरा करके और फिर वही वही क्रियम जहाँ जिसमें कुछ नहीं होता था, शून्य था, शून्य ऐसा तो क्या हो, शून्य था वो तो आकाश होता है शून्य सृष्टि के आदि में, सृष्टि के आदि ये क्या सृष्टि की आदि भी होती है, सृष्टि अनादि है या आदि है, कहाँ पहुँच गए बेटे में पहुँच गए क्या, आदि होती है या अनादि होती है शक्ति, किंतु अनादि चलते रहता है, तो फिर आदि क्यों कहते हो शक्ति, साइकिल घूमता रहते हैं। ये स्वर्ग की सीढ़ियाँ जो दिखाई दे रही हैं, जो इसमें टीवी में भी आ रहा है बाबा, और लेकिन वहाँ जो सीढ़ियों में पहुँचता है फिर वापस नहीं लौटता है, भक्ति मार्ग में नहीं सर, ये बाबा इसी समय जो है आ रहा है, इसमें चैनल में भी, चैनल में आ रहा है, सच्चा होता है, चैनल में जो बनाया है किसने बनाया, मन से बनाया, मन से विकारी बुद्धि है, भगवान जो बताता है वो सही है। होता है मेरे बाबा, जैसे कि अगर यदि हम हर चीज एक एक बात को लिखेंगे तो हम तो पूरा क्यों लिखेंगे, हर चीज एक एक बात जो दिल को खाती हो उसको लिखो, मैंने जो बात दिल को सिर्फ खाती हो, जो दिल को खाती हो वो ही लिखो, वो ही पाप बन गया, जो दिल को खाती नहीं हो पाप खत्म हो गया भोगते भोगते। अब जैसे कि कोई ऐसी बातें हैं जैसे बाबा से हम मिलते हैं, कोई भी बात है जो दिल के अंदर खा रही है कि हमने क्यों किया, ऐसा नहीं होता तो अच्छा होता है, बार बार दिल को कुरेद रही है, बार बार बुद्धि में आ रही है वो बात, तो इसका मतलब पाप चढ़ रहा है, पाप बना हुआ है, वो हमें दिल खोल करके बाबा के सामने रख देना चाहिए, आधा खत्म हो जाएगा, आधा याद के बदले खत्म हो जाएगा, उसके ऊपर एक एक क्विंटल वजन रखा हुआ हो उसे 50 किलो उतर गया तो कितना हल्का हो गया, जल्दी भी याद की बल से खत्म कर देगा ना। वैसे भी बोला किसी की कुछ भी छूटी हुई नहीं रहेगी, साफ प्रत्यक्ष हो जाए, जो खुद गलती किया है, जो खुद गलती किया ही है और सामने रख के, और कैसे सामने रखे, जब गलती किया ही है तो किया ही है, तो जैसे गलती किया है बात बताना चाहता है और उस गलती को मान्य भी नहीं हो पा रहा है, अपने से कहना चाहते हैं कि हम कहने की बात हमने गलती किया, गलत से श्रीमत के अनुसार ही हम काम कर रहे हैं, तो उसका वो कैसे माने, उसकी मान्य हो यहाँ पे, जैसे कि हम आए थे इस बात बताने के लिए, कहने के लिए आते बाबा हमने एक सही थोड़े जाते लिख करके दो, कचरा इधर उधर फैला नहीं किया करता, कचरा सागर में डालना है या कि इधर उधर फैलाना है, गंदगी छोड़ने के लिए, गंदे वाइब्रेशन फैलेंगे तो लोग सोचेंगे अरे इतना ऊंचा पुरुषार्थ की ये भी ऐसी गलती कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर रहे, तो और पाप कराने की जरूरत बन जाएगा, नहीं लिखना आए तो कोई अजीज हो ज्यादा दोस्त हो कि वो हमारी बात को छुपा के रखता है उसे लगवा लो, बाबा ब्रह्मा विष्णु शंकर का तीनों का अलग अलग पार्ट है, अलग अलग शरीर है, मुरली में जो कहा गया है, तो इसका पूरा क्लियरिफिकेशन कभी कभी जो है समझ में नहीं आता, क्या समझ में नहीं आया तो पूछ लो बताएं, विष्णु का पार्ट मतलब जो है कब अदा होगा, कब अदा होगा, या शंकर का जो है किस समय हुआ, यही पता नहीं अभी तक, सारी रामायण हो जाती है तो सीता का बाप कौन था, एडवांस में आ गए हो, ऐसे प्रश्न क्यों पूछते हो, अच्छा पूछो तो बताए, क्या समझ नहीं आया, सारा ज्ञान ही यहाँ तो बेसिक में आते हैं तो भी कहते हैं पहले बाप का परिचय दो, तीन मूर्ति चित्र में समझाओ कोई को, एडवांस में आते हैं तो भी यही कहा जाता है, क्या डायरेक्शन दिया जाता है, किसी को क्या समझाओ, बाप का परिचय दो, तीन मूर्ति चित्र में समझाओ, और अभी तो बच्चे करके बैठे हुए हैं
रोज के रोज बीपी की क्लास सुन सुन करके बैठे हुए हैं, फिर यही सुन रहे थे वो किस चीज़ से समझ रहे हैं क्या बात हुई है। जैसे है ब्रह्मा के बारे में बताया हुआ है कि वो बेसिक नॉलेज तक सीमित है अभी। कौन दादा लेखराज ब्रह्मा जी तो कहाँ तक सीमित है? बेसिक नॉलेज तक सीमित है। उनकी बुद्धि में अभी तक भी ये पॉइंट नहीं बैठा है कि गीता का साकार भगवान इस शक्ति पर कौन हो सकता है। तो वहीं तक पहुंचे हुए अभी जन्म लेना है क्या? अरे कति को जन्म लेना है या संगमी को जन्म देने वाला बनना है? त्रिमूर्ति हो गया अभी तक नहीं हो पाया। एडवांस के क्लास में बैठना माने तीन मूर्तियों की जानकारी होना। ब्रह्मा का पार्ट एग्जैक्ट किसका है, विष्णु का पार्ट एग्जैक्ट किसका है, शंकर का पार्ट एग्जैक्ट किसका है, कौन है नाम रूप धारी, एड्रेस क्या है, वो भी बता देंगे। नहीं तो ये कुछ करके धारी ब्राह्मण कहाँ हुए पक्के, जो जन्म ब्राह्मण ही नहीं हुए। कृष्ण वाली आत्मा जब द्विजन्म ब्राह्मण बनती है फिर तो नई शक्ति की शुरुआत हो जाएगी। हम बच्चों को तो अभी से बुद्धि में ये बैठ जाना चाहिए कि ब्रह्मा विष्णु शंकर ये तीन मूर्तियां कौन कौन है, किस स्मृति रंग जिनकी यादगार में तिरंगा झंडा बनाया जाता है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, सारे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला तीन रंग कौन है, ऐसी तीन आत्मा जो सारे विश्व पर विजय प्राप्त करती है, वो अभी बुद्धि में बैठा। अरे ब्रह्मा के रूप में पाठ बजाने वाली मुख्य आत्मा कौन है? है अभी मौजूद है, विश्व पर विजय प्राप्त कहां से कही करने वाली बताई जाएगी? ब्रह्मा ने तो अस्तर अपने ही करी छोड़ दिया, विश्व के ऊपर विजय तो हुई नहीं, अपने ऊपर ही विजय नहीं हो पाई, हाथ फेल होकर के तरी छोड़ दिए, हट गए हार गए। हाथ किसका फेल होता है? हाँ नहीं योगी नहीं होता है वो तो ठीक, लेकिन हाथ उसका फेल होता है जो बड़े बड़े मनसूबे बना के बैठता है, बड़े बड़े कल कारखाने में बना लिए और वो एंड मौके पर आके बुद्धि में ये बैठ के आ रही है तो सब खत्म होने वाला है, तो हाथ फेल हो जाता है। आत्मा तो ठीक है, दादा लेखराज की आत्मा ही सहनशीलता का 100% पाठ बजाती है, लेकिन शरीर उनका न होने की वजह से कोई न कोई चोले में प्रवेश करती, प्रवेश करके फिर वो माता जी का पाठ बजाती है, जो असली नाम पड़ता है ब्रह्मा बड़ी मां। ये होता है मुरली में, वास्तव में ये ब्रह्मा ही तुम्हारी जगदम्बा है क्या? ब्रह्मा क्या है? ये जगदम्बा है, परंतु पुरुषता है, इसलिए जगदम्बा की तो पूजा होती है। पुरुषता होने से ये तो दुर्योधन तो शासन की लिस्ट में आ गया, इसकी पूजा पूजा नहीं हो सकती, इसलिए इसलिए फिर उनको वो चोला छोड़ना पड़ता है और कोई न कोई माता के तन में प्रवेश करना पड़ता है, फिर जगदम्बा के रूप में प्रत्यक्ष होती है और सारे संसार में जगदम्बा की पूजा पूजा होती है। वो तो हुआ ब्रह्मा, और जो ब्रह्मा है तो वास्तव में विष्णु बन जाता है, और दूसरी मूर्ति ब्रह्मा का पार्ट तो ये हुआ, उसके आगे दूसरा पार्ट कौन सा चलता है? तो अपना शरीर छोड़ दिया, फिर उनको तो अपना शरीर पाठ नहीं बजाना है, कोई प्रवेश कर क्यों पाठ बजाना है? दूसरा पाठ है शंकर का, जो मुरली वो बताते हैं सीधा सीधा मत समझाओ क्या, ब्रह्मा द्वारा स्थापना शंकर द्वारा विनाश, ऐसे समझाना चाहिए। त्रिमूर्ति चित्र में कैसे है,
ब्रह्मा विष्णु शंकर विष्णु बीच में लगा दिया। अरे विष्णु का पार्ट जब अंत में है तो बीच में क्यों बताना चाहिए, कैसे बताना चाहिए? ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, फिर विष्णु द्वारा पालन का विनाश शंकर द्वारा। ब्राह्मण की दुनिया में जो आसुरी ब्राह्मण घुस पड़ते हैं ढेर के ढेर, कौरव संप्रदाय और यादव संप्रदाय, उनका सब खात्मा, खात्मा माने उनका दिल कमजोर कर देता है सच्चा ज्ञान सुना सुना करके, तो ठंडे होके बैठ जाते हैं, अनिश्चय बुद्धि बन जाते हैं। अनिश्चय बुद्धि बनना माने मर जाना, सब खराब हो जाए। ये कार्य अभी चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बेसिक में जो चलने वाले हैं उनमें धीरे धीरे ये एडवांस ज्ञान फैल रहा है या नहीं फैल रहा है? है तो उनका दिल कच्चा पड़ रहा है या पक्का पड़ रहा है? कच्चा हो रहा है। दिल कच्चा होते होते एक टाइम ऐसा आएगा आठ बेल हो जाए, विनाश हो जाए। तो शंकर द्वारा विनाश, वो मूर्ति अभी समझ में नहीं आई, ब्रह्मा की भी मूर्ति समझ में नहीं आई और शंकर की भी मूर्ति समझ में नहीं आई। अब रहा विष्णु, विष्णु वो पार्टधारी है जो आदि से लेकर के अंत तक अब विचारी ही पार्ट हो जाता है। क्या कोई जो 500-700 करोड़ की आत्माएं हैं पत्ते हैं, इनमें एक पत्ता तो ऐसा होगा जो जन्म जन्मांतर अब विचारी रहता होगा या नहीं होगा? हर तरह के पारधारी पत्ते हैं या नहीं है? तो एक पत्ता ऐसा भी तो होना चाहिए जो आज से लेकर के अंत तक राम की क्या मर्यादा थी? राम की ये मर्यादा थी तो गाई जाती है हर जगह मर्यादा पुरुषों, एक में मर्यादा रही और कोई में मर्यादा टूटी नहीं। ऐसी भी आत्मा है कुछ पार्टधारी कि सत्युग के आज से लेकर के कलयुग के अंत तक और कोई के साथ संसर्ग संबंध में, पति पत्नी के संबंध में जाती नहीं, उसके लिए शास्त्रों में भी गायन है जन्म जन्म लगी रगर हमारी वरो शंभु न तु रहो कुमारी। ऐसा जो अभिविचारी संबंध रखने वाली आत्मा है वो जन्म जन्मांतर छुट्टी होनी चाहिए या दूसरी आत्मा को सुखी होनी चाहिए? वो सबसे ज्यादा सुखी होनी चाहिए। वास्तव में शंकर की आत्मा को भी इतना सुख नहीं मिल सकता जितना जन्म जन्मांतर का सुख वो आत्मा भोगती है। बाबा विष्णु को भी 3/4 ही सुख मिलता है, उससे ज्यादा और ज्यादा। कोई कोई बच्चे हैं जो 82-83 जन्म भी सुख से रहते हैं। तो चीजें मूर्तियां समझ में आई या नहीं आई तो क्या पूछ ले रहे थे बाबा? ये कुछ ऐसी जैसे कहा गया कि ब्राह्मणों में भी कोई कोई 2-3 जन्म भी ले सकते हैं, तो वो जो आत्मा है जो इसकी छोले जो है आदि में भी थी, बीच में भी हुई, फिर लास्ट में भी तीसरा जन्म भी हुआ ही नहीं है, तो तुमने अटकल लगा ली। इतनी क्यों लगाई अटकल क्यों लगा रहे हो? तो कोई आत्मा हुई जैसे गीता माता के लिए है, गीता माता के लिए तुमने अटकल लगाई, किस आधार तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि बीच में उसने इतनी जन्म ही लिया? क्या पता उसने पति के रूप में हत्या करने वाले का जन्म लिया हो, कुल्हाड़ा लेकर के अपनी पत्नी को मार डाला, ये भी तो हो सकता है। अरे जालंधर, हाँ जालंधर की जिस माता कहा खड़ी के वाक्य आता है, तो उसके पति ने अपनी पत्नी को कुल्हाड़ा लेकर के मार डाला, तो पति का पाठ हो सकता है। हाँ? बाबा की मुरली को तो कभी काटना ही नहीं चाहिए। बाबा ने मुरली में कह दिया 2 जन्म जाती जाती स्त्री पुरुष को हो सकते, इससे जाती नहीं तो काटना क्यों?
अगर हम यहाँ विरोधी संकल्प कराते हैं बाबा की मुरली को काट करके, तो मालूम कौन सी लिस्ट हो जाती है? श्रीमत के बरखिलाफ बात करने वाले को राहुल संप्रदाय की लिस्ट में चले जाते। ऐसा संकल्प ही नहीं करना जो श्रीमत के महावाक्यों को काटने वाला हो। तो जो कुल्हाड़ी से जब उन्हें मारा था तो वही को इसके उन्हें अपना शुक्र है जन्म लेकर के आए हुआ होंगे वो जलंधर की माता को जिन्होंने मारा था। जिन्होंने मारा था जो अभी कुछ निश्चित हो रही है तो बात जब टाइम आएगा मुर्गियाँ अभी पीछे की ढेर सारी खुली बैठी है कराती हूँ। उन्होंने पूरा का पूरा भंडार दबा के रंडे रख दिया है। वो आखिर भंडार निकलेगा कि नहीं निकलेगा? नहीं नहीं बातें निकलेंगी। वही तीन जन्म तो सिद्ध हो गया है। तीन जन्म होते हैं ब्राह्मण बच्चे दो तीन जन्म लेते हैं, इसका मतलब नहीं है कि वो एक लिंग ही जन्म लेते हैं। लिंग का परिवर्तन होता है। बाबा जन्म से आदमी ने जब बच्चे साथ में उनके कहाँ गए ग्रंथी जब जब उससे गए तो उनके साथ में ग्रंथी सारे बच्चे चले गए। उसके ग्रंथी जाने के बाद में सीढ़ी में ऊपर जो सिखाया गया है या सब चीज के ऊपर में स्वर से सिखाया गया चार एक साइड में और तीन एक साइड में चार तीन सात सात व्यक्ति ऊपर में स्वर सीढ़ी में दिखाई गया हो गया है। तो क्या वो शुद्ध ग्रंथी बच्चे हैं ताकि उसके पहले भी और बच्चे होने चाहिए? तो पहले और होना चाहिए। उसमें सात दिया तो पहले गए होंगे वही तो पहले वहाँ दिखाई देंगे। उसमें तो साते दिखाए हुए हैं सब तरीके के सब तरीके इसीलिए दिखाई गए हैं कि वो उनमें से एक जो है वो उसका घर बनता ही नहीं ग्रंथी कच्ची रह जाती है क्योंकि भगवान का घर बिगाड़ने वाला है। भगवान के घर को भी बिगाड़ने का संकल्प करता है। बने भगवान के बने बनाए घर तो गिरजा घर बनाने वाला उसका अपना घर कैसे रहेगा? घर किसी कहा जाता है? ईंटों को। अरे घर किसको कहा जाता है? ईंटों को कहा जाता है या ग्रहणी को कहा जाता है? ग्रहणी को कहा जाता है। किसी को कोई एक ग्रहणी होती है क्या? एक तलाक दिया दूसरी करी दूसरी तलाक दिया तीसरी करी उसकी बुद्धि का एक जगह ठिकाने लगती नहीं। हमें वहाँ तीन अठवे में दिखाया गया है कृष्ण को दिखाया गया और राधा को दिखाया गया है। सब्जी के सीढ़ी में पहला बच्चे के रूप में पहले बच्चे के रूप में दिखाया हुआ है। संगम में कृष्ण है वो वहाँ सती में कृष्ण है उसका उससे बच्चा पैदा होगा वो कोई आग की जिसम जोड़े ही है जो संगम को भी कृष्ण दिखाया है वो तो संगम भी हो गया है। इसके बाद वो नारायण दिखाया गया है संगमी भी फिर उसके जो पैदा हुआ बच्चा है वो और अंदर की तरफ दिखाया गया सती में दादा लिख रहा है जो संगमी और तो सती में भगवान सदाबहार जो मौसम होता है तो हमें ये पूछना है कि आज की नहीं यानी जो मौसम है बहुत ज्यादा तेज धूप बहुत अभी तो पृथ्वी की धूरी तेरी है। टेढ़ी दूरी होने से सूर्य जो है जब पृथ्वी घूमते घूमते सूर्य के चारों ओर घूम रही है तो सूर्य के चारों ओर घूमते हुए कभी तो ये हिस्सा ऊपर का हिस्सा सामने आ गया ये नीचे का हिस्सा दूर हो गया। जब इधर जाएगी तो ये हिस्सा नजदीक हो जाता है और ऊपर का हिस्सा तो छह महीने तो उत्तरी ध्रुव में दिन ही दिन रहता है क्योंकि सूर्य सामने ही रहता है और छह महीने दक्षिण ध्रुव में दिन ही दिन रहता है वो धूरी चेंज हो जाएगी। धूरी ही सारी चेंज हो जाएगी तो सारी परिवर्तन हो जाएगी। अभी जो प्रशांत महासागर है इतना गहरा वो इतना गहरा है कि उसकी थाहा कोई ने ले ही नहीं पाई। वो प्रशांत महासागर गड्ढा कैसे बन गया इतना बड़ा? अर्धविनाश हुआ था द्वापर की आग में त्रेता के अंत में वो चंद्रमा का हिस्सा छिटक के आग ही निकल गया। प्रशांत महासागर में टुकड़ा अलग हो गया तो पृथ्वी का बच्चा हुआ ना। पृथ्वी है ग्रह
उसका नाम क्या दिया गया? उपग्रह। उपग्रह है वो पृथ्वी माता की चारों तरफ घूम रहा है। सागर में जो गड्ढा बना हुआ है तो चंद्रमा का आधा भाग है वो उसका क्या है? उसी को लगता है। अभी पृथ्वी में क्या चंद्रमा रहेगा? घटेगा बढ़ेगा? बाबा जी सागर तो एक ही है तो सात सागर के रूप में दिखाया जाता है। पृथ्वी के खंड हो गए ना अलग अलग, पृथ्वी से उसको खंडित किया गया है। देखो ध्यान से, जहाँ जहाँ पृथ्वी है तो इसके अलग अलग बना दिए गए, उनका नाम रख दिया गया। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब महासागर। जितने उन्होंने बंधन डाले होंगे अपने पति के ऊपर दाढ़ी मूंछवाला बनते उन्होंने तो दाढ़ी मूंछवाली बनी होगी कि नहीं, कि स्त्री बनती नहीं हर जन्म। अरे एक जन्म में आत्मा स्त्री बनती है, एक जन्म में पुरुष बनती है। तो जब पिछले जन्म में पुरुष बनी थी तो अच्छी तरह से नाक पकड़ करके रखा होगा, नथनी डाल करके घर में रहो, नहीं तुम्हारी नथनिया अच्छी सी रख देगी। अति की होगी आपको तो फिर भी इस जन्म में भगवान मिला हुआ है, उनको तो बेचारों को भगवान भी भगवान भी नहीं मिला हुआ, तो कोई आधार नहीं था तो भी उन्होंने ग्रहण किया। तो बंधन काटना नहीं है, है? खुशी खुशी काटना है, रो रो के काटना है, है? मैं तो क्लास हो गया बंधु। नियम कानून माना क्यों नहीं? भगवान ने नियम कानून, भगवान का नियम कानून है क्या? पहले बच्चे करो, बच्चा बनो, फिर दर्शन करो। दर्शन तो होता भी नहीं है, होता है होता नहीं। बाबा बाबा ने कहा कि कर्मों में ब्रह्म को फॉलो करना, ठीक है, उसके बाद बाप को याद करना, ठीक है। कैसे दिखाई देखो, दिखाई देगा? मुरली नहीं पड़ती हो? हम पढ़ती नहीं, मुरली पड़ती नहीं, नहीं। तुम्हें कैसे दिखाई देगा? मुरली पढ़ती नहीं, मुरली सुनती नहीं, बीसीडी देखती नहीं। हाँ तो सुनती हो ना, जब जब सुनती हो, जो भी सुनती हो, तो उसमें ब्रह्मा के बारे में बताया नहीं गया कैसे कैसे कर्म करते थे? मुरली में कभी कोई ऐसा वाक्य आया कि ब्रह्मा ने कोई छोटा कर्म किया हो, किसी को सुनने का कर्म किया हो, कोई किया? तो ऐसे कर्म हम नहीं करें, कर सकते हैं क्या? पहचाने बाप को पहचाने, मैंने अभी तुमने बाप को ही नहीं पहचाना, यहाँ क्लास में बैठना ही नहीं है। शरीर से बाप को पहचान लिए, शरीर से कौन से बाप को पहचान लिए? शरीर से कौन से बाप को पहचान लिए? वो तो 84 में हर आत्मा अपने बाप को पहचान ले, ठीक है, बड़ी बात होगी। शरीर से क्या पूछना चाहते हैं? क्या करना है कि कैसे मैं पहचानूं? इनका कहना है परमात्मा कैसे पहचान में आए, कि परमात्मा हमारी आत्मा का बाप है। तो ये क्लास में बैठना ही नहीं है तब तक, तब तक इस क्लास में बैठना ही नहीं जब तक ये निश्चय न हो जाए कि ये साकार शरीरधारी इसमें परम पिता परमात्मा शिव प्रवेश है। जब तक बैठा ही नहीं तो अनिश्चय बुद्धि हुआ या निश्चय बुद्धि हुआ? अनिश्चय बुद्धि हुआ। अनिश्चय बुद्धि अगर ज्ञान लेगा, अज्ञानी बैठ करके ज्ञान लेगा तो उसका उल्टा असर होगा, वो विकारों में जाता रहेगा। ब्रह्मा ने बाबा के कर्म कैसे पहचान लिया? इसके अंदर से बाबा आया, देखा भी नहीं, सुना भी नहीं, कोई प्रूफ भी नहीं, कोई प्रमाण भी नहीं। यहाँ तो ढेर सारे प्रूफ और प्रमाण भी दिए जाते हैं, अच्छी तरह एक एक बात समझाई जाती है, तो वो नहीं समझा। वहाँ ब्रह्मा बाबा को मान लिया, ब्रह्मा के कर्म से बाबा आता, ये सब क्या हुआ?
पोस्टर में ये परंपरा के आधार पे चलना हुआ ना, कितना मानते हैं तो अभी हमने भी मान लिया। बाबा ज्ञान कर रहे हैं और जो ज्ञान में नहीं आत्मा कर रही है वो हमें जो है बार बार कलम का बोझ दे रही है। तुमने कलम लगाए होंगे पूर्ण जन्म में, राजा बन के पूर्ण जन्म में कलम हमने कब लगाए थे? राजघराने में रहे थे, जो कलंक लगाए हैं उनका उनका नहीं करना है, एकाग्रता पूरा नहीं करना है। हल्के हो रहे हैं या भारी हो रहे हैं? हल्के हो रहे हैं तो खुशी खुशी कलंक चुप रहो, कलंक को चिपक जाते हैं क्या? ग्लानी कोई हमारी करता है कलंक लगाता है तो कलंक हमको चिपक जाएगा क्या? एक अंत दो ना दूसरे अंत निकाल दो, लेकिन वो होगा तभी जब निराकार जिसका आकार में शक्ति पर आया हुआ है उसको पहचाना होगा तो उसकी खुशी में रहेंगे। अगर बार बार अनिश्चय पैदा होता है तो खुशी भी गायब हो जाएगी। है बाप को जब इतने इतने पदरों का तो बाप के बच्चे को प्रेम नहीं होगा, जितने बुद्धि होके रहना चाहिए, अपनी खुशी में मस्ती में रहो। दुनिया कुछ भी कहती है, दुनिया अपने मुंह से ही तो बोलेगी, चुप रहना चाहिए। एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल लिया, ही अरे इवन जो कुछ सुना है ग्लानी की बात वो दूसरों को सुनाने की नहीं है। इसने हमसे ऐसे किया ऐसे कहा, अरे कहा तो फालतू कहा, झूठी बात बोली उसका असर हमारे भी क्यों पड़े? बाबा मेरी कल्याण हमारी जो इंद्रिय पर चुकी है और 22 साल की हो गई है लेकिन ज्ञान सुनना नहीं चाहती। शादी करो, उसकी शादी करना चाहती हूँ, रोका हुआ है क्यों रोका हुआ है? तुम अम्मा हो, उसकी दिल की बात जान नहीं सकती वो क्या चाहती है? आज तक आप उसके दिल की बात नहीं जान सके वो क्या चाहती है, शादी करना चाहती है या ज्ञान में चलना चाहती है या घर में ही बैठ के रहना चाहती है? नहीं, घर क्या चाहती है? घर में ही रहती है और सिलाई वही कर रही है और कुछ नहीं हो पाता ना, कुछ होना चाहती है। आपको परेशानी क्या है? कुछ नहीं करता तो कहीं भी है, आप क्लास में बैठ के अगली बार सुना रही है, आपको कोई परेशानी भी पैदा नहीं कर रही बेचारी चुपचाप आप घर में बैठती है, बाहर निकल करके भी नहीं देखती, बाहर की दुनिया में जा भी नहीं रही है, संकरण भी बाहर की दुनिया का नहीं ले रही है, पवित्र रहती है आपके घर में रहकर, आप उसे रहने दीजिए। रोटी डाल नहीं है घर में खाने के लिए क्या है? अरे पवित्र है ना, ज्ञान का उद्देश्य क्या है? जो ज्ञान का मूल उद्देश्य है वो क्या है, इसलिए ज्ञान लिया है। तुम घर में रहकर वो पवित्र रह रही है, आपको क्या परेशानी है? वो बिना ज्ञान लिए ही पवित्र रह गई और आपने ज्ञान लिया है तो पवित्र नहीं रह पा रहे, लेकिन फिर वही बाहर वाले। अरे बाहर वालों की बुद्धि खराब है, बाहर वालों की बात सुनना ही नहीं है, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल लो, कहाँ जाएंगे तुमको? अगर बाहर वालों की बात नहीं सुनोगे एक कान से सुनोगे दूसरे कान से तो खा जाएंगे क्या है? रुक जान देना बंद कर देंगे नहीं फिर क्या है? पर्सनल अपनी बातें मत पूछो, ज्ञान के पॉइंट चिंता मत लाते। 2018 में राधा और कृष्ण का 303 राधा कृष्ण दोनों को नहीं बताया, राधा कृष्ण दोनों को बताया क्या? कृष्ण बताया, जन्म होगा विष्णु का, जन्म होगा कृष्ण का। हाँ जी, तो क्या वो पावन दुनिया में होगा? सच्ची दुनिया में होगा, ये पक्की दुनिया खत्म हो जाएगी, दुनिया सच्ची दुनिया सच्ची ही खत्म हो जाएगी। दोबारा कोर्स लो, रामचंद्र भाई उनको बैठा के दोबारा कोर्स लो, मुझे रहेंगे उनके और उनके एक व्यक्ति है भारत का, दोनों को दोबारा भर्ती। हाँ जी, भर्ती कराओ दोबारा। नई दुनिया आएगी
तो नई दुनिया सबके लिए इकट्ठी आ जाएगी क्या? पांच करोड़ के लिए या 4.5 लाख के लिए नई दुनिया घट पे आ जाएगी इकट्ठी? आएगी 8 के लिए आएगी, जो 8 उत्पादन से लेते गंगा सजाएं नहीं खाते वो एक्यूरेट संपन्न दुनिया बनेगी। सर्वराज सजाओं खाने वालों से वो संगठन थोड़ी तैयार हुआ है। बात नहीं, बात नहीं, हमको उधर ही देख ब्रह्मा भी तो संगठन।